जयशंकर प्रसाद जी की कहानी सिकंदर की शपथ। कथावाचक निर्मल मिश्र। सूर्य की चमकीली किरणों के साथ यूनानियों के बर्छे की चमक से मिंगलौर दुर्ग घिरा हुआ है। यूनानियों के दुर्ग तोड़ने वाले यंत्र दुर्ग की दीवारों से लगा दिए गए हैं और वे अपना कार्य बड़ी शीघ्रता के साथ कर रहे हैं। दुर्ग की दीवार का एक हिस्सा टूटा और यूनानियों की सेना उसी भग्न मार्ग से जयनाद करती हुई घुसने लगी, पर वह उसी समय पहाड़ से टकराए हुए समुद्र की तरह फिरा दी गई और भारतीय युवक वीरों की सेना उनका पीछा करती हुई दिखाई पड़ने लगी। सिकंदर उनके प्रचंड अस्त्राघात को रोकता पीछे हटने लगा। अफगानिस्तान में अश्वक वीरों के साथ भारतीय वीर कहां से आ गए, यह शंका हो सकती है, किंतु पाठकगण, वे निमंत्रित होकर उनकी रक्षा के लिए सुदूर से आए हैं, जो कि संख्या में केवल 7,000 होने पर भी ग्रीकों की असंख्य सेना को बराबर पराजित कर रहे हैं। सिकंदर को उस सामान्य दुर्ग के अवरोध में 3 दिन व्यतीत हो गए। विजय की संभावना नहीं है। सिकंदर उदास होकर कैंप में लौट गया और सोचने लगा, सोचने की बात ही है, गाजा और परसिपोलिस आदि के विजेता को अफगानिस्तान के एक छोटे से दुर्ग के जीतने में इतना परिश्रम उठाकर भी सफलता मिलती नहीं दिखाई देती, उल्टे कई बार उसे अपमानित होना पड़ा। बैठे बैठे सिकंदर को बहुत देर हो गई। अंधकार फैलकर संसार को छिपाने लगा, जैसे कोई कपटाचारी अपनी मंत्रणा को छिपाता है। केवल कभी कभी दो एक उल्लू उस भीषण रणभूमि में अपने भयावह शब्द को सुना देते हैं। सिकंदर ने सीटी देकर कुछ इंगित किया। एक वीर पुरुष सामने दिखाई पड़ा। सिकंदर ने उससे कुछ गुप्त बातें की और वह चला गया। अंधकार घनीभूत हो जाने पर सिकंदर भी उसी ओर उठकर चला जिधर वह पहला सैनिक जा चुका था। दुर्ग के उस भाग में जो टूट चुका था बहुत शीघ्रता से काम लगा हुआ था, जो बहुत शीघ्र कल की लड़ाई के लिए प्रस्तुत कर दिया गया और सब लोग विश्राम करने के लिए चले गए। केवल एक मनुष्य उसी स्थान पर प्रकाश डालकर कुछ देख रहा है। वह मनुष्य कभी तो खड़ा रहता है और कभी अपनी प्रकाश फैलाने वाली मशाल को लिए हुए दूसरी ओर चला जाता है। उस समय उस घोर अंधकार में उस भयावह दुर्ग की प्रकांड छाया और भी स्पष्ट हो जाती है। उसी छाया में छिपा हुआ सिकंदर खड़ा है। उसके हाथ में धनुष और बाण है। उसके सब अस्त्र उसके पास हैं। उसका मुख यदि कोई इस समय प्रकाश में देखता तो अवश्य कहता कि यह कोई बड़ी भयानक बात सोच रहा है, क्योंकि उसका सुंदर मुखमंडल इस समय विचित्र भावों से भरा है। अकस्मात उसके मुख से एक प्रसन्नता का चीत्कार निकल पड़ा, जिसे उसने बहुत व्यग्र होकर छिपाया। समीप की झाड़ी से एक दूसरा मनुष्य निकल पड़ा, जिसने आकर सिकंदर से कहा, देर न कीजिए, क्योंकि यह वही है। सिकंदर ने धनुष को ठीक करके एक विस्मय बाण उस पर छोड़ा और उसे उसी दुर्ग पर टहलते हुए मनुष्य की ओर लक्ष्य करके छोड़ा। लक्ष्य ठीक था, वह मनुष्य लुढ़क कर नीचे आ गिरा। सिकंदर और उसके साथी ने झट जाकर उसे उठा लिया, किंतु उसके चीत्कार से दुर्ग पर का एक प्रहरी झुक कर देखने लगा। उसने प्रकाश डालकर पूछा, कौन है? उत्तर मिला, मैं दुर्ग से नीचे गिर पड़ा हूं। प्रहरी ने कहा, घबराइए मत, मैं डोरी लटकाता हूं। डोरी बहुत जल्द लटका दी गई। अफगान वेशधारी सिकंदर उसके सहारे ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाकर सिकंदर ने उस प्रहरी को भी नीचे गिरा दिया, जिसे उसके साथी ने मार डाला और उसका वेश आप लेकर उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। जाने के पहले उसने अपनी छोटी सी सेना को भी उसी जगह बुला लिया और धीरे धीरे उसी रस्सी की सीढ़ी से वे सब ऊपर पहुंचा दिए गए। दुर्ग के प्रकोष्ठ में सरदार की सुंदर पत्नी बैठी हुई है। मदिरा विलोल दृष्टि से
कभी दर्पण में अपना सुंदर मुख और कभी अपने नवीन नील वसन को देख रही है। उसका मुख लालसा की मदिरा से चमक चमक कर उसकी ही आंखों में चकाचौंध पैदा कर रहा है। अकस्मात प्यारे सरदार कहकर वह चौंक पड़ी, पर उसकी प्रसन्नता उसी क्षण बदल गई जब उसने सरदार के वेश में दूसरे को देखा। सिकंदर का मानुषिक सौंदर्य कुछ कम नहीं था, अबला हृदय को और भी दुर्बल बना देने के लिए वह पर्याप्त था। वे एक दूसरे को निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे, पर अफगान रमणी की शिथिलता देर तक न रही। उसने हृदय के सारे बल को एकत्र करके पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, शहंशाह सिकंदर। रमणी ने पूछा, यह वस्त्र किस तरह मिला? सिकंदर ने कहा, सरदार को मार डालने से। रमणी के मुख से चीत्कार के साथ ही निकल पड़ा, क्या सरदार मारा गया? सिकंदर, हां, अब वह श्लोक में नहीं है। रमणी ने अपना मुख दोनों हाथों से ढक लिया, पर उसी क्षण उसके हाथ में एक चमकता हुआ छुरा दिखाई देने लगा। सिकंदर घुटने के बल बैठ गया और बोला, सुंदरी, एक जीव के लिए तुम्हारी दो तलवारें बहुत थीं, फिर तीसरे की क्या आवश्यकता है? रमणी की दृढ़ता हट गई और न जाने क्यों उसके हाथ का छुरा छटक कर गिर पड़ा। वह भी घुटनों के बल बैठ गई। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। अब उसने देखा कि सिकंदर अकेला नहीं है, उसके बहुत से सैनिक दुर्ग पर दिखाई दे रहे हैं। रमणी ने अपना हृदय दृढ़ किया और संदूक खोलकर एक जवाहिरात का डिब्बा ले आकर सिकंदर के आगे रखा। सिकंदर ने उसे देखकर कहा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, दुर्ग पर मेरा अधिकार हो गया, इतना ही बहुत है। दुर्ग के सिपाही यह देखकर कि शत्रु भीतर आ गया है, अस्त्र लेकर मारपीट करने को तैयार हो गए, पर सरदार पत्नी ने उन्हें मना किया, क्योंकि उसे बतला दिया गया था कि सिकंदर की विजय वाहिनी दुर्ग के द्वार पर खड़ी है। सिकंदर ने कहा, तुम घबराओ मत, जिस तरह से तुम्हारी इच्छा होगी उसी प्रकार संधि के नियम बनाए जाएंगे। अच्छा, मैं जाता हूं। अब सिकंदर को थोड़ी दूर तक सरदार पत्नी पहुंचा गई। सिकंदर थोड़ी सेना छोड़कर आप अपने शिविर में चला गया। संधि हो गई, सरदार पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि दुर्ग सिकंदर के अधीन होगा। सिकंदर ने भी उसी को यहां की रानी बनाया और कहा, भारतीय योद्धा जो तुम्हारे यहां आए हैं वे अपने देश को लौटकर चले जाएं, मैं उनके जाने में किसी प्रकार की बाधा न डालूंगा। सब बातें शपथ पूर्वक स्वीकार कर ली गईं। राजपूत वीर अपने परिवार के साथ उस दुर्ग से निकल पड़े, स्वदेश की ओर चलने के लिए तैयार हुए। दुर्ग के समीप ही एक पहाड़ी पर उन्होंने अपना डेरा जमाया और भोजन करने का प्रबंध करने लगे। भारतीय रमणियां जब अपने प्यारे पुत्रों और पतियों के लिए भोजन प्रस्तुत कर रही थीं, तो उनमें उस अफगान रमणी के बारे में बहुत बातें हो रही थीं, और वे सब उसे बड़ी घृणा की दृष्टि से देखने लगीं, क्योंकि उसने एक पति हत्याकारी को आत्मसमर्पण कर दिया था। भोजन के उपरांत जब सब सैनिक विराम करने लगे, तब युद्ध की बातें कहकर अपने चित्त को प्रसन्न करने लगे। थोड़ी देर नहीं बीती थी कि एक ग्रीक अश्वारोही उनके समीप आता दिखाई पड़ा, जिसे देखकर एक राजपूत युवक उठ खड़ा हुआ और उसकी प्रतीक्षा करने लगा। ग्रीक सैनिक उसके समीप आकर बोला, शहंशाह सिकंदर ने तुम लोगों को दया करके अपनी सेना में भर्ती करने का विचार किया है, आशा है कि इस संवाद से तुम लोग बहुत प्रसन्न होगे। युवक बोल उठा, इस दया के लिए हम लोग कृतज्ञ हैं, पर अपने भाइयों पर अत्याचार करने में ग्रीकों का साथ देने के लिए हम लोग कभी प्रस्तुत नहीं हैं। ग्रीक, तुम्हें प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि शहंशाह सिकंदर की आज्ञा है। युवक, नहीं महाशय, क्षमा कीजिए, हम लोग आशा करते हैं कि संधि के अनुसार हम लोग अपने देश को शांतिपूर्वक लौट जाएंगे, इसमें बाधा न डाली जाएगी। ग्रीक, क्या तुम लोग इस बात पर दृढ़ हो? एक बार और विचार कर उत्तर दो, क्योंकि उसी उत्तर पर तुम लोगों का जीवन मरण निर्भर होगा। इस पर कुछ राजपूतों ने समवेत स्वर में कहा, हां हां,
हम अपनी बात पर दृढ़ हैं, किंतु सिकंदर जिसने देवताओं के नाम से शपथ ली है अपनी शपथ को न भूलेगा। ग्रीक, सिकंदर ऐसा मूर्ख नहीं है कि आए हुए शत्रुओं को और दृढ़ होने का अवकाश दे। अस्तु, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो। इतना कहकर वह ग्रीक अपने घोड़े को घुमाकर सीटी बजाने लगा, जिसे सुनकर अगणित ग्रीक सेना उन थोड़े से हिंदुओं पर टूटी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन्होंने प्राण प्राण से युद्ध किया और जब तक कि उनमें एक भी बचा बराबर लड़ता गया। क्यों ना हो, जब उनकी प्यारी स्त्रियां उन्हें अस्त्रहीन देखकर तलवार देती थीं और हंसती हुई अपने प्यारे पतियों की युद्ध क्रिया देखती थीं, रणचंडियां भी अकर्मण्य न रहीं, जीवन देकर अपना धर्म रखा। ग्रीकों की तलवारों ने उनकी बच्चों को भी रोने न दिया, क्योंकि पिशाच सैनिकों के हाथ सभी मारे गए। अज्ञात स्थान में निराशा होकर उन सब वीरों ने प्राण दिए। भारतीय लोग उनका नाम भी नहीं जानते। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी सिकंदर की शपथ। कथावाचक निर्मल मिश्र।